हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग प्रदेश। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से टेलीग्राम, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें लेक्चर्स के पीडीएफ अपलोड नहीं हो पा रहे थे। अब से ऐसा नहीं होगा, जितने भी पीडीएफ अपलोड नहीं किए गए थे उसे अपलोड कर दिया जाएगा और आज से रेगुलर बेसिस पर आपको पीडीएफ विद क्विज मिलेंगे। तो यहाँ से आपको लेक्चर मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप में आप पीडीएफ और क्विज पा सकेंगे। तो चलिए हम लोग 5 अगस्त के लिए झारखंड के करंट अफेयर्स देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, झारखंड में असुर मोबाइल रेडियो को 31 अगस्त से फिर से स्टार्ट किया जाएगा। असुर बहुल गांव में 31 अगस्त से फिर से असुरी भाषा में गीत, कहानी और कविताएं सुनाई जाएंगी। 6 महीने पहले जनवरी में असुर मोबाइल रेडियो की शुरुआत की गई थी, लेकिन लॉकडाउन के बाद इसे बंद कर दिया गया था। असुर रेडियो का प्रसारण अब 10 असुर बहुल गाँव में किया जाएगा। प्रसारण की शुरुआत गुमला जिले के सखुपानी जोबीपाद से किया गया था। इस दौरान सिर्फ गीतों, कहानियों, किस्सों आदि का प्रसारण सामग्री की रिकॉर्डिंग की गई थी। अब फिर से असुर बहुल इलाकों में जब जब हाट बाजार लगेंगे इस रेडियो का प्रसारण किया जाएगा। पहली बार असुरी जनजाति भाषा में रेडियो की शुरुआत की गई है ताकि विलुप्त होती भाषा में उनकी विशेष सामग्री तैयार की जा सके और लोगों के बीच जागरूकता फैलाई जा सके। यहाँ पर ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, असुर जनजाति और असुर भाषा। तो थोड़ा सा हम लोग असुर जनजाति के बारे में जान लेते हैं। ओके, असुर जनजाति झारखंड की ऐसी विलुप्त होती जनजाति है जिसने दुनिया को लोहे से अवगत कराया था। ये आदिकाल से ही लोहे के सफल इंजीनियर माने जाते हैं। जब मैं झारखंड का हिस्ट्री पढ़ाऊँगा तो इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बताऊँगा। आज झारखंड में इनकी जो संख्या है वो सिमट कर मात्र 10,000 रह गई है, 10,000 के आसपास रह गई है। ये ज़्यादातर गुमला, नेतरहाट, बिशुनपुर इलाके में पाए जाते हैं। भारत की 196 विलुप्त होती भाषाओं में असुर भाषा भी शामिल है। डॉक्टर इंद्र नील मन्ना BIT मेसरा के नए वाइस चांसलर नियुक्त किए गए हैं। झारखंड में इंस्टीट्यूट है या फिर कोई भी कंपनी है, चाहे वो झारखंड सरकार की हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या फिर प्राइवेट कंपनी हो या प्राइवेट बॉडी हो, उससे मतलब नहीं है। झारखंड में है तो उसका जो भी इम्पोर्टेंट एक्टिविटी होता है वो झारखंड के एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। डॉक्टर इंद्रनील मन्ना, जो कि BIT मेसरा के नए वाइस चांसलर नियुक्त किए गए हैं, IIT खड़गपुर के मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर रह चुके हैं। के डॉक्टर इंद्रनील मन्ना ने इंजीनियरिंग में PhD और भौतिक धातु कर्म में MTech किया है। BIT मेसरा का स्थापना कब हुआ है? 1955। रांची के परितोष कुमार को बैंक ऑफ इंडिया का नया आंचलिक प्रबंधक सह उप महाप्रबंधक नियुक्त किया गया है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत रांची में ही बैंक ऑफ इंडिया से बतौर एक लिपिक के रूप में की थी। उन्होंने इस अंचल से शुरुआत करते हुए पदोन्नति के साथ साथ विभिन्न अंचलों और देश विदेश में भी कार्य किया है। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट हो सकता है। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 7 सितंबर 1906, 113 साल पहले इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है अभी? अतानु कुमार दास। बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? अतानु कुमार दास। बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। ओके, बरकुंडा जो कि कोयलांचल है, रिवर साइड निवासी अभितेश परासर का चयन हंगरी के नेशनल क्रिकेट टीम में हुआ है। हंगरी क्रिकेट एसोसिएशन की नेशनल क्रिकेट टीम ने 20 अगस्त से शुरू होने वाले लीग मैच के लिए अभितेश परासर का चयन किया है। वर्तमान में वह हंगरी देश में पेक यूनिवर्सिटी से MBA की पढ़ाई कर रहे हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं वो आप देख लीजिए। हंगरी के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? जनोस एदर। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। हंगरी के प्रधानमंत्री का नाम विक्टर ऑर्बन। मैंने आपको बताया था कि कोई भी कंट्री है उसके बारे में, चाहे वो कैपिटल के बारे में पूछा जा सकता है या फिर उसके करेंसी के बारे में पूछा जा सकता है, तो ये अचानक से ये क्वेश्चन रेंडमली नहीं बनता है, कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट एक्टिविटी हुआ रहता है। जैसे कि आपने जैसे से CGL 2016 का अगर क्वेश्चन देखा है तो उसमें 2 से 3 क्वेश्चन हैं जिसमें कि दूसरे कंट्री के कैपिटल के बारे में पूछा गया है, तो वो क्वेश्चन रेंडमली नहीं बनाया जाता है, कुछ ना कुछ रिलेशन एक्टिविटी जुड़ा होता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके,
9 अगस्त को झारखंड में भी विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाएगा। अच्छा, इसके बारे में ना मैं डिटेल में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है, इसके बारे में जानना चाहिए। तो विद इन 1 or 2 days आपको ये वीडियो मिल जाएगा विश्व आदिवासी दिवस के लिए। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पहले से इस दिन में अवकाश की घोषणा कर दी गई है। झारखंड में इसे लागू करने की योजना पर विचार किया जा रहा है। ओके, इक्विटी में झारखंड के लोगों का निवेश किसी भी राज्य की तुलना में प्रतिशत के लिहाज से सबसे अधिक है। वर्तमान में झारखंड के लोगों का इक्विटी में निवेश 72% है। जून 2020 तक झारखंड में सिर्फ म्यूचुअल फंड्स का निवेश 19,600 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। विभिन्न राज्यों का इक्विटी और नॉन इक्विटी में निवेश का जो डेटा है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। एटलीस्ट आपको झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल के बारे में जानना होगा। जितने भी पड़ोसी राज्य हैं उसके बारे में जानकारी रखना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, तो ये 6 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे 5 अगस्त के झारखंड के लिए। तो इसका जो PDF है वो टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दिया जाएगा। और जितने भी पॉइंट्स बने हैं, देखिए जितने भी पॉइंट्स बताए जाते हैं करंट अफेयर के वीडियो में, ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे से क्वेश्चन बन सके। तो जिससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन पाएगा बस उसी का क्विज बनाया जाएगा। तो आज से क्विज और PDF ये रेगुलर बेसिस पर प्रोवाइड किया जाएगा। इसलिए यूट्यूब चैनल के साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। ओके, तो मिलते हैं अगले करंट अफेयर वीडियो के साथ। धन्यवाद।